आप कांग्रेस के एक एक जन जन को ये पता है कि विजयपुर की जीत सुनिश्चित हुई है, पूरे देश में ये पता है। अगर गड़बड़ की जैसा चुनाव में की तो विजयपुर का कार्यकर्ता लड़ता रहा, अब की तो प्रदेश का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता आपको मुंह तोड़ जवाब देगा, बीजेपी को देगा, और प्रदेश की जनता भी देख रही है, वो भी इनके आतंक से थक चुकी है। उस आतंक का अंत होगा, मैंने कहा अति का अंत होता है, आतंक का अंत करेंगे विजयपुर में एक गलती करके बताए, एक वोट कम करके बताए, तो मैं मानता हूं, मैं तो स्वागत करूंगा ये बी डी शर्मा जी कुछ गलती कर दे ऐसी। नफरत की भाषा देश का प्रधानमंत्री माइक पे खड़े होके बोलता है, कठोर भटो, फिर 50 करोड़ का तड़का लगाता है, लाडली बहना को अलग से लालच देता है, और इसी कॉम्बो से जीतने की कोशिश होती है। मध्य प्रदेश इसको भोग रहा है, महाराष्ट्र भी एक दिन भोगेगा। करारा जवाब है भारतीय जनता पार्टी को, उसके आतंक को, जो कलेक्टर, बीजेपी और चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा काम किया, कम से डाकुओं का उपयोग भी चुनाव में किया, हर तरह की यातना और अत्याचार, कार्यकर्ताओं को जेल भेजा, कई मुकदमे लगाए, हमारे दलित भाइयों को सार्वजनिक गांव घेर घेर के पीटा गया, जो फिल्मों में नहीं होता है वैसी भयावह स्थिति विजयपुर में बनाई। उसके बाद भी विजयपुर की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की। ये जीत विजयपुर की, सबसे प्रथम वो कार्यकर्ता जिसने विजयपुर में काम किया जेल गए, यातनाएं सही, डरे नहीं, लड़ते रहे, वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे थानेदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, और भारतीय जनता पार्टी का आतंक, अद्भुत आतंक, सबका मुकाबला किया। मैं सैल्यूट करता हूँ, नतमस्तक हूँ मेरे विजयपुर के कार्यकर्ताओं को, बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दे दिया आपने कि अगर लड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब आपने मेरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, देश के कार्यकर्ताओं को, विजयपुर के कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि हम सब एकजुट रहेंगे तो पार्टी का विचार और मध्य प्रदेश का लोकतंत्र बचेगा। मैं ये जीत का श्रेय मेरे कार्यकर्ता बब्बर शेरों को देता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को देता हूँ। विजयपुर की जनता ने संदेश दिया कि आपने झूठ बोला और वोट लिए, अब इसका आपको नतीजा विजयपुर का मंत्री होते हुए भारी बहुमत, भारी भरकम आपको चुनाव हराया इतने आतंक के बाद। मोहन यादव जी, आप पर्ची के मुख्यमंत्री हो, आप जनाधार के मुख्यमंत्री हो ही नहीं, आपको चुना गया था शिवराज जी को, आपको पर्ची से बनाया गया है, तो इस नाते अब भी चूंकि आप मुख्यमंत्री हो, हमारे भी हो, प्रदेश के हो, एक एक जन के हो, मेरे जीतू पटवारी के भी मुख्यमंत्री हो, किसानों के वादे पूरे करो, 3,000 बहनों को दो, ये संदेश है आपके लिए। हमने कहा था सरकार नहीं बदलेगी, चलनी चाहिए सरकार 5 साल, अच्छी चलनी चाहिए, हम विपक्ष की भूमिका निभाए, पॉजिटिव सकारात्मक निभाए, मोहन यादव जी को सहयोग करें, बीजेपी को सहयोग करें, पर आपने जो कहा आप पूरा करो, बहनों के आबरू बचाओ। ऐसे बुधनी में 1,30,000 वोट से लोकसभा में हम पीछे थे, इसका मतलब है कि 5,000 की हार जीत पे चुनाव चल रहा है, यानी अल्टीमेटली लूटा जा रहा था चुनाव, जैसे विजयपुर में लूटा जा रहा था ऐसे बुधनी में भी। शिवराज जी भी जनाधार से नहीं जीतते थे, वो बुधनी में चुनाव लूटते थे उसका। इस बार हमने बूथ, हर बूथ पे मेरे कार्यकर्ताओं ने बुधनी के चुनाव लड़ा, हम बरोबरी पे आ गए। जहां 20 साल का मुख्यमंत्री 1,30,000 की जीत अर्जित कराता है, वहां 5,000 की हार जीत पे अगर पार्टी आई है, कांग्रेस आई है, तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की होगी। मैं उनको, बुधनी के कार्यकर्ताओं को भी सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जैसा मैंने विजयपुर को लेके कहा, बुधनी के परिवार के लोग जो पूरे प्रदेश से वहाँ लगे थे या स्थानीय थे, उन्होंने कांग्रेस का और कार्यकर्ताओं के मस्तक पे एक तरह से तिलक लगाया है, ये तिलक एक दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा पे भी आप लोग लगाओगे, ये आपने संजीवनी दी है। मैं फिर से विजयपुर के कार्यकर्ताओं के और बुधनी के कार्यकर्ताओं का बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ, नतमस्तक हूँ उनका, धन्यवाद देता हूँ, और सभी वरिष्ठ जनों का, सारे हमारे CLP से लेके सारे हमारे बड़े नेता, पूर्व CM, सारे जो PCC के अध्यक्ष हैं, सारे जो भी सीनियर, उनका सबका मजबूती से, एकजुटता से सहयोग जो मिला, उसी का परिणाम है विजयपुर की जीत, और बुधनी भी जीत के मुहाने पे हैं।